पांच या छह इंच का एक छोटा सा डब्बा जो इजीली हमारे पॉकेट में भी आ जाता है, जिसने पूरे संसार में एक नई क्रांति जैसी ला दी है। हर एक इंसान की शरीर की धड़कन बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सेलफोन की, जिसे आम भाषा में मोबाइल फोन भी कहा जाता है, हिंदी में उसे कहते हैं चलंत दूरभाष यंत्र। नमस्ते दोस्तों, जय भारत, जय हिंद। मैं जॉनी क्रॉसपर आज आप लोगों के बीच लाया हूँ सेलफोन की कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहले के जमाने में मैसेज यानी संदेश भेजने के लिए राजा महाराजा बाज उल्लू घोड़े और दूतों का इस्तेमाल करते थे। फिर आया चिट्ठियों का जमाना, चिट्ठियों का जमाना खत्म हुआ, टेलीफोन का जमाना आया। तो हमारे बीच एक ऐसी इजाद आई जिसका नाम है सेलफोन, और आज हमारी लाइफ में संदेश मैसेज भेजने के लिए सेलफोन का इस्तेमाल होता है। बात है 1977 की, जब पहली बार अमेरिकी वैज्ञानिक मार्टिन कूपर ने सेलफोन का आविष्कार किया, पर इसको मार्केट में आते आते 1983 लग गए थे। और दोस्तों पहली बार मार्टिन लूथर ने न्यूयॉर्क की सड़कों से सेलफोन ने बात की थी। और पहले सेलफोन की कीमत जो कि मोटोरोला कंपनी का था 2,80,000 रुपये। दोस्तों हर एक चीज की दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा। तो पहले हम बात करेंगे सेलफोन की अच्छाइयों के बारे में। सेलफोन का पहला फायदा, पहले के जमाने में हम किसी को कोई भी खबर संदेश देनी होती थी तो चिट्ठियों के माध्यम से देते थे, उसमें एक महीने से दो महीना लग जाता था। दोस्तों खुद में ही आर्मी बैकग्राउंड से डालू, हमें घर में कोई खबर होती थी या कोई हादसा होता था, जो हादसा हुआ उसके हादसा सही होने के बाद हमें खबर मिलती थी। पर आज आप एक टेक्स्ट मैसेज कर लिए या एक कॉल कर लीजिए, तुरंत खबर मिल जाती है। सेलफोन का दूसरा फायदा, पहले हम टिकट बुक करनी होती थी लंबी लाइन लगती थी, बिजली का बिल जमा करना है, पानी का बिल जमा करना है, लंबी कतार लगती थी। तो आज एक बटन दबाइए और काम कीजिए, बिल तैयार और आपका टिकट तैयार। और दोस्तों इवन ओला उबर जैसी कई कैब संबंधित सेवाएं आप इजीली बटन दबाइए, आपके घर के पास गाड़ी खड़ी मिलती है। सेलफोन का तीसरा फायदा, आप शॉपिंग करने के लिए पहले दुकानों में जाते थे, लंबी लाइन लगती थी, टाइम आना जाना, और आज के डेट में आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट कीजिए, मिंत्रा से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, किसी भी साइट से आप सर से लेकर पाँव तक रोटी कपड़ा और मकान इजीली बटन दबाइए, आपके घर के बाहर सामान तैयार मिलता है। सेलफोन का चौथा फायदा जो कि मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगता है, दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में जो एक क्रांति आई बीच में कोविड-19 के टाइम, पूरे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, इवन सारी डिपार्टमेंट की मीटिंग है सेलफोन ने की, ऑनलाइन क्लासेज सेलफोन ने दिए, वरना पूरा सिस्टम ही ठप हो जाता है कोविड-19 के टाइम। तो पूरा सेलफोन एक हमारे लिए ना क्या था, जैसे चिराग जैसा काम कर रहा था। और एक एजुकेशन सिस्टम में नई क्रांति आई है, आपका बायजूस हो गया और अनअकैडमी जैसे सेवाएं आपको दे रहा है ताकि आप घर बैठे बैठे एजुकेशन कर सकें। ये तो थे सेलफोन के कुछ फायदे। अब बात करेंगे हम सेलफोन से होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में। सेलफोन से होने वाला पहला नुकसान दोस्तों रेडिएशन। आप सभी लोग रेडिएशन के बारे में जानते हैं, 2G आया, 3G आया, 4G, अब जमाना 5G का आ गया है। एक से एक एंड्रॉयड सेलफोन आ चुके हैं हमारी लाइफ में जो इतनी भारी मात्रा में रेडिएशन क्रिएट कर रहे हैं। तो रेडिएशन से हमारे दोस्तों सबसे पहले कैंसर, स्किन डिजीज, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं। मेरा उन पेरेंट्स से आग्रह है जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, कम से कम अगर आप टाइम नहीं दे पाते हैं तो सेलफोन मत पकड़ाए उनको, और आपके लिए भी ये फायदा रहेगा, बच्चों के लिए भी फायदा रहेगा। दोस्तों जैसे हमारे फोन अपग्रेड हो रहे हैं तो एयरफोन भी हमारे काफ़ी अपग्रेड हो चुके हैं। हम क्या करते हैं, गाना सुनते हैं एयरफोन, पबजी खेलते हैं एयरफोन, इवन सोते भी हम एयरफोन का इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन बच्चा क्या कहता है, हेडेक हो गया। दोस्तों कान में एयरफोन लगा के सोता है बच्चा, उसको कानों की बीमारियां, आपका हेडेक तो होना ही होना है। तो आपको आपने ये इंश्योर करना अपने बच्चे को इससे दूर रखना है। और इसका एक सबसे डेंजर घाटा क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, एयरफोन लगा लेते हैं और वॉक करते हैं सड़कों पे, कितने एक्सीडेंट आने वाले जाने वाले दिनों में दिखते रहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपको इंश्योर करनी, आपको देखना है कि हाँ यार मैंने एयरफोन को कम यूज करना है, और चलते फिरते हो गए एयरफोन यूज नहीं करना, सोते
शरीर आपका है, बॉडी आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है आप कैसे इसको कैसा रखते हो। सेलफोन से होने वाला जो नुकसान, चौथा नुकसान सामाजिक नुकसान है दोस्तों। एक पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं कर रहा है, जो बच्चे हैं पेरेंट्स से बात नहीं कर रहे हैं, सेलफोन में लगे पड़ रहे हैं। अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों से बात कीजिए, बच्चे हैं तो पेरेंट्स से बात कीजिए, उनके दुख दर्द समझिए। तो इस सेलफोन से थोड़ा हट के एक अपना परिवार उनके साथ भी, आजकल परिवार टूट रहे हैं यार दोस्तों, क्यों टूट रहे हैं, सेलफोन में लगे पड़े आपस में परिवार के एक सदस्य दूसरे सदस्य से कोई बात नहीं कर, चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे पेरेंट्स हो चाहे बच्चे हो। तो मेरे ये एडवाइस रहेगी तो आप सेलफोन से कम और परिवार वालों व्यक्तियों से बात कीजिए। दोस्तों सेलफोन के आविष्कारक इसके जनक मार्टिन कूपर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा है कि 24 घंटे में से 5% का टाइम आजकल मैं सेलफोन को दे रहा हूँ, क्योंकि बचा हुआ टाइम मैं खुश हाल जिंदगी जीऊँ, अपने परिवार को दे सकूँ। तो दोस्तों जिससे ये वीडियो बन रहा है ये भी सेलफोन है, और जिससे वीडियो आप देख रहे हैं वो भी सेलफोन है। यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह सेलफोन का यूज हो रहा है। तो दोस्तों ये थे सेलफोन से होने वाले कुछ फायदे और कुछ नुकसान। सेलफोन से कई और फायदे भी हैं और नुकसान भी है जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे कमेंट सेशन में बताना, और वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।